सजा या फिर बरियत, फैसले की घड़ी आ गई। नवाज शरीफ की सालगिरह का केक कहां कटेगा, अडियाला जेल या जाती उमरा, आज पता चल जाएगा। एहतसाब अदालत अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला आज सुनाएगी जज अरशद मलिक। छुट्टी के दिन भी फैसला लिखते रहे, नवाज शरीफ अदालत में फैसला सुनेंगे, नैब हुकाम भी मौजूद होंगे। सजा की सूरत में नवाज शरीफ को सीधा जेल पहुंचा दिया जाएगा। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस के फैसले के मौके पर लीगी कारकुनान को आज जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचने की हिदायत। कारकुन सुबह 8:30 बजे पहुंचेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की मुशावरत। अदालत के इर्द गिर्द 1000 अहलकार तैनात किए जाएंगे। वालिद के खिलाफ रेफरेंसेस के फैसले से चंद घंटे कबल मरियम नवाज ने भी दिखा दी शक्ल। मरियम नवाज तवील अरसे बाद ट्विटर पर मुतहरिक नजर आई, प्रोफाइल तस्वीर भी बदल दी। कहती हैं आखिरी बार वालिदा को देखा तो वो ताबूत में थी, वालिद को आखिरी बार मुस्कुराते हुए वालिदा के साथ देखा, अल्लाह दोनों पर रहम। नवाज शरीफ ने अचानक इस्लामाबाद आकर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुमकिन अदालती फैसले के बाद के लाए अमल पर बातचीत की गई। मिनिस्टर्स इनक्लेव में 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद नवाज शरीफ मरी चले गए। जराए के मुताबिक छोटे भाई के बाद बड़े भाई भी जेल गए तो तमाम फैसले पार्टी का मुशावरती बोर्ड करेगा। पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त कल अदालत की तरफ लगी हुई हैं। केस बड़ा सीधा है, नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों की अरबा रुपए की प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी किन पैसों से बनाई, पिछले 15 साल में वो जिन बूथ पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है। तमाम नजरें रेफरेंसेस के फैसले पर लगी हैं। फवाद चौधरी का कहना है केस बड़ा सादा है, शरीफ फैमिली की बैरूने मुल्क में अरबों रुपए की जायदाद है, सवाल ये है कि पैसा कहां से आया, अगर ये लोग मासूम हैं तो बदमाश कौन है। वजीर इत्तलात ने अपोजिशन अलायंस को थग्स ऑफ पाकिस्तान का नाम दे दिया। कराची में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर पर फायरिंग, 2 कारकुन जान बहक, 2 जख्मी हो गए। नामालूम अफराद ने रिजविया की हुदूद उस्मानिया सोसाइटी में दफ्तर में घुसकर फायरिंग की, जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। एडिशनल आईजी डॉक्टर अमीर शेख का वाकये का नोटिस। मुस्तफा कमाल का कहना है 22 अगस्त 2016 को एमक्यूएम बनाने वाले इस वाकये के जिम्मेदार थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पीएसपी के दफ्तर पर हमले का खदशा पहले ही जाहिर किया था। जराए के मुताबिक रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार 2 टारगेट किलर्स बिलाल और इरशाद ने तफ्तीश में पीएसपी पर हमले का इंकशाफ किया था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध अंधाधुंध, मोटरवे कई मकामात पर बंद, आमदोरफ्त में मुश्किलात, परवाजें भी मुतासर। कसूर में कई फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद, महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जिमनी बल्दियाती इलेक्शन का दंगल, कराची की 22 नशिस्तों का गैर हतमी नतीजा मुकम्मल। एमक्यूएम 10 सीटों के साथ सरे फहरिस्त, पीपल्स पार्टी ने 8 सीटें जीत ली। तहरीक इंसाफ एएनपी 1-1, आजाद उम्मीदवार 2 नशिस्तों पर कामयाब। अंदरून सिंध बेशतर नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी जीत गई। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ एएनपी की कामयाबी। उधर एमक्यूएम का जिमनी इलेक्शन में कामयाबी पर जश्न, कारकुनों के भंगड़े, आतिशबाजी।
इंडोनेशिया में सुनामी की तबाहकारियां, अमवात की तादाद 235 हो गई। सुनामी के नतीजे में 900 से ज्यादा अफराद जख्मी, दर्जनों लापता भी हुए। सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई। आतिश फशा कराकाटो फटने के बाद जेर समंदर लैंडस्लाइडिंग से सुनामी आई। सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शाम से अमरीकी फौजियों के इनखला पर बातचीत। दोनों ममालिक में तजारती ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल। तुर्की ने शाम की सरहद के दोनों तरफ फौज की नकलो हरकत बढ़ा दी। तुर्क फौज की टैंकों बम भारी मशीनरी के साथ क्लेस कस्बे की जाने पेश कर दी। ट्रंप का शाम से फौजी इनखला का ऐलान फौजी नकलो हरकत की वजह बना। हुकूमती आरसी शटडाउन 3 जनवरी तक जारी रह सकता है। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ मैक मिलानवी का हुकूमती शटडाउन पर अहम बयान। कहते हैं डेमोक्रेट सरकार की अक्सरियत पर मुश्तमिल नई कांग्रेस ही इस हवाले से फैसला करेगी। 3 जनवरी को नई कांग्रेस के अरकान ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 1 घंटे बाद दोबारा बहाल हो गया। एयरपोर्ट का एयर कंट्रोल सिस्टम खराब होने की वजह से तातुल पैदा हुआ था। तातुल के दौरान फ्लाइट्स का रुख करीबी मैनचेस्टर और ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया था। भर की तरह स्पेन में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी। मुल्क की तमाम अहम इमारतों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद रोशनियों को देखने के लिए स्पेन पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ यासिर रशीद। और मैं हूँ महक असलम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की किस्मत के फैसले की। नवाज शरीफ जेल जाएंगे या बरी हो जाएंगे? नवाज शरीफ की किस्मत के फैसले का दिन आ गया। 15 माह रोजाना की बुनियाद पर चलने वाले रेफरेंसेस का फैसला आज होगा। जी हाँ, एहतसाब अदालत अल अजीजी और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला सुनाएगी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक दोनों रेफरेंसेस का फैसला पढ़कर सुनाएंगे। फैसले के पेश नजर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अहाता अदालत के करीब 500 मीटर के इर्द गिर्द का एरिया मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। फहरिस्त में शामिल अफराद ही अहाता अदालत में दाखिल हो सकेंगे। केस की सूरत हाल जानेंगे फयाज महमूद से, जो नैब कोर्ट के बाहर मौजूद है, जबकि बिलाल आफरीदी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक हमें अपडेट करेंगे और जान शेर हमारे नुमाइंदे नवाज शरीफ की रवानगी का शेड्यूल हमें बताएंगे। सबसे पहले फयाज, फैसला हो जाएगा, केस कब शुरू होगा, क्या क्या मराहिल होंगे? जी, आज नवाज शरीफ की किस्मत का फैसला होगा, जो अब से कुछ ही देर बाद एहतसाब अदालत के अरशद मलिक आज दो अहम रेफरेंसेस का फैसला सुनाएंगे। ये 8 सितंबर को दो रेफरेंसेस अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस, उसके अलावा एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ के खिलाफ फाइल किए गए थे, जिसमें नवाज शरीफ को 19 अक्टूबर को फर्द जुर्म उन पर आयद कर दी गई थी। इन दोनों रेफरेंसेस में नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम की जो नौयत है उसमें 9A5 में उनको चार्ज शीट किया गया था। उनसे एक ही सवाल पूछा गया था कि ये जायदादें आपके जो बच्चे हैं उन बेनामीदार हैं, उन्होंने बनाई थी, इनके ज़राए आमदन क्या थे, क्योंकि आपकी आमदन से ये एसेट्स हैं मुताबकत नहीं रखते। तो जिस पे उनकी जानिब से कोई डिफेंस पेश नहीं किया गया, उन्होंने मौकफ लिया था
कि नवाज शरीफ ने कहा था कि हसन और हुसैन नवाज ये इन कंपनियों के मालिक हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उन्हें अपने हक में कोई दिफा पेश करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नैब की जानिब से ये कहा गया था क्योंकि हकीकी और असल मालिक नवाज शरीफ ही हैं तो अदालत इनको सजा दे क्योंकि ये सजा के मुस्तहिक है। जबकि नवाज शरीफ की जानिब से बरियत मांगी गई है अदालत से, अब बरियत होगी या नवाज शरीफ जेल जाएंगे इसका फैसला अब से कुछ ही देर बाद कर दिया जाएगा।